पहले साधु नहीं बनने का, पहले सज्जन बनने का। पहले साधु नहीं बनने का सरल जी, नहीं विचार मन में आ जाए। हाँ, सज्जन जिस दिन बन जाओ उस दिन एक क्षण ही लगाना, साधु उसी दिन बन जाना। कारण क्या डॉक्टर साहब, गड़बड़ी क्यों हो रही है? नमना नहीं सीखा, झुकना नहीं सीखा, झुकाना चाहता है पर झुक नहीं पा रहा है। हे मुमुक्षु ध्यान दो, जो व्रत झुका होता फलों से भले ऊंचा हो पर दुनिया को झुका लेता है। गुरु का सिर पर हाथ रहता था तो मेरी सभी विद्याएं काम करती थी, और जिस दिन से गुरु का हाथ हट गया ज्ञानी सब विद्याएं समाप्त। ज्ञानियों ध्यान रखना, जब तक आपको मालूम होना चाहिए है, अभी धूप पड़ रही है, कितनी धूप है नहीं है मालूम, लेकिन छतरी तान के चल देते हो तो धूप कितनी बनी रहे पर आप शीतलता ही महसूस करते रहते हो। विश्वास रखना, कितनी उपत्ति आपत्तियां विपत्तियां उपसर्ग भी आ जाएं, लेकिन जिस शिष्य के शीश पर गुरु के हाथ का छत्र रखा हुआ है ज्ञानी, उसको कोई आपत्ति ही नहीं होती। हो मुमुक्षु ध्यान दो, मैं तो ज्ञानी हूं, कैसा तू ज्ञानी है? छुप छुप के कर रहा था मनमानी और कहता था ज्ञानी, क्रिया कर रहा था अज्ञान की और फिर भी था तू ज्ञानी। मैं तो ज्ञानी हूं। डूब जाइए उबरने के लिए, जल के सागर में डूबो तो प्राण जाते हैं, पर श्रुत सागर में डूबो तो कर्म जाते। जग के सागर में डूबो ज्ञानी दानी, में देख रहा था ज्ञानी मेरा जीव गया का। हे मुमुक्षु, जल पानी में डूबे तो प्राण जाते हैं, श्रुत सागर में डूब जाए तो कर्म जाते हो, प्राण बच जाते हैं। और जो जीव जड़ पानी में डूबता है तो प्राण चले जाते हैं, ओ ज्ञानियों सब रह जाता है। नहीं ये ज्ञानियों ध्यान दो, सर्प कितना टेढ़ा चलता है, कुटिल चलता है और कुंडी बना के बैठता है, लेकिन वो भी जब बामी में प्रवेश करता है तो सीधा ही पहुंचता है। जो सत्य को समझना, कितनी ही कुंडियां बना लेना, कितने ही तिरछे चल लेना, कितनी टेढ़े मेढ़े चल लेना, लेकिन ध्रुव धाम ज्ञायिक स्वभाव की बामी में प्रवेश करोगे तो ज्ञानी सीधा ही चलना पड़ेगा। इन आंखों से पूछना, इन आंखों से पूछना, हे नेत्रो, आप भी त्रागी जिनेन्द्र को भी निहार सकते हो, लेकिन वैद्य जी विश्वास रखना, ज्ञानी जब अरहंत को निहारता है तो आंखों को कुटिल नहीं करता। जब अरहंत को निहारता तो आंखों को कुटिल नहीं करता, जब किसी की पर द्रव्य को निहारता, पर नारी को निहारता है तो ज्ञानी पर की मां को निहारने वाला कुटिल आंखों से देखता है। जब भी कुटिल आंखें कह रही थी मेरा दोष नहीं, एक कुटिलता आत्मा का धर्म है, मेरा दोष नहीं है, कुटिल अक्ष है, इसलिए नेत्र से कुटिलता दिख रही है। कुटिलता किसमें थी? सांप के तन में कुटिलता थी। वकील साहब तनक ध्यान दो, सर्प के तन में कुटिलता थी कि सर्प के चैतन्य में कुटिलता थी? हे नांग, हे नांग, मैं ध्रुव दृष्टि से तुझे भगवान देखता हूं, पर ये दिखने वाले भगवंत तू क्यों कुटिलता कर रहा है? इतने का टेढ़ापन मन के तिरछेपन को बता रहा है। तन टेढ़ा नहीं होता यदि मन टेढ़ा। शायद आपको कसाई का भी ज्ञान नहीं,
नहीं होता है। जो वो घर का वो कंगूरा बना रहे थे उसमें टेढ़ापन था। ज्ञानी ध्रुव सत्य बताऊं, बुरा नहीं मानना, सुन नहीं लेना, वो टेढ़ापन कंगूरे में नहीं था। घर जब बन रहा था, जब बन रहा था, पर तेरे मन में तिरछापन आ चुका था कि मन अच्छा हो ना हो पर घर अच्छा दिखेगा तो मेरी बेटे की शादी के लिए कोई अपनी बिटिया देके चला जाएगा। सुनना कितना तिरछा भाव तेरा चल रहा था, जबकि घर में फूटी कौड़ी नहीं थी खाने को, वो भी पर के द्रव से बना था मकान, वो कह रहा था मेरा है मकान, वो भी बैंक से उठा के भवन बना था, पर दूसरे को ठगने के लिए भवन खड़ा कर लिया था। हे ज्ञानी तेरी नींव ही तिरछेपन से है तो शिखर सीधा कैसे बस रखना। कपड़ों में पुण्य नहीं होता, कपड़ों में पुण्य नहीं होता और जंगल में ध्यान नहीं होता। भटक नहीं जाना, ये तत्व को समझिए, कपड़ों में पुण्य नहीं होता, जंगल में ध्यान नहीं होता। ज्ञानी पुच्छीन पुण्यात्मा को सुंदर कपड़े भी पहना दो तो जोंकर तो कहलाएंगे लेकिन सुंदर नहीं कहलाएंगे। भैया कपड़ों में पुण्य नहीं होता, यदि कपड़ों में पुण्य होता होता, कपड़ों के पहनने से सम्राट पद होता होता, तो नाटक के राजा सभी का राज्य एक एक सुंदर होता, और जंगल में ध्यान होता होता तो बंदर भालू सबको ज्ञानी केवल ज्ञान हो जाता। जंगल में ध्यान नहीं होता, कपड़ों में पुण्य नहीं होता, ज्ञानी पुण्य तेरी आत्मा में होता है और ध्यान शुद्धात्मा अंदर आत्मा में होता है। आत्म परिणाम निर्मल है तो जंगल में भी हो जाए और घर में भी हो जाए, वो परिणामों की निर्मलता नहीं है तो ज्ञानी जंगल में बैठकर भी ज्ञानी आर्थ रोध ध्यान ही होता है। विश्वास रखना पुण्यात्मा जीव को कपड़े भी उतरवा देना। हे भैया अपने छोटे भाई को आप भूमि छीन सकते हो, भवन छीन सकते हो, वस्त्र भी उतरवा सकते हो, इतनी ताकत तो तेरे अंदर है मंत्री जी, लेकिन जीवन में विश्वास रखना अपने भैया के पुण्य को तुम उतरवा नहीं सकते हो। सब कुछ कर सकते हो, छल कपट से ध्यान दो। मां कैकेयी से पूछना, हे मां आप राम को जंगल भिजवा सकते हो लेकिन राम को जंगल में ज्ञानी तुम जंगली नहीं बना सकते हो। राम जंगल में रह करके भी राम जंगल में नहीं रहे, वो तो जहां गए वहां सम्मान को प्राप्त हुए, वो कोयला धन जो अग्नि के संयोग से सफेद हो जाता है, पर धिक्कार उस प्राणी को हो जो परमात्मा के चरणों में आकर के जिसके प्रणाम सफेद नहीं हो पाते, वो कोयला धन्य है। क्या नहीं दानी, वो दिन की याद करो, वो दिन मेरे जीवन का कैसा होगा जब सब कुछ रखा होगा, सब कुछ दिख रहा होगा, सुमना बलियां बिखर रही होंगी, बिंद्रा बलियां सुनाई पड़ रही होंगी, लेकिन तू वृंदावन से अकेला चला जाएगा। सुमना बलियां बिखर रही होंगी, पुष्पों की कलियां खिर रही होंगी, और तेरी गली जबलपुर की वृंदावन और काशी जैसी महक रही होगी, पर हे ज्ञानी वृंदावन का निवास करने वाला ए हंस परमहंस अकेला चला जाएगा और सब यहीं रह जाएगा। जिसे लोभ से कमा के रखा था वो लोभ का पिंड साथ जाएगा, पर लोभ से कमाई वस्तु एक दाना भी नहीं ले जा पाएगा।
जिस काट पर विश्राम करता था, जिस खाट पर विश्राम करता था, कैसा दिन वो आ गया कि खाट भी सोनी हो गई।